जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष चल रहा है, आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम पितरों का तर्पण करें और किन वस्तुओं तर्पण करने से क्या लाभ होता है। हमारे सनातन में बहुत सारी चीज़ें, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी गई हैं जो हमें सत्संग करने से और गुरु गोविंद की कृपा से ही सब मिल पाता है। तो ये वामन पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण में से उपाय बताए गए हैं तर्पण करने के तरीके। तो आइए जानते हैं। अगर हम तर्पण का मतलब होता है अपने पितरों को जल दान करना, जैसे देवताओं को हम ऐसे जल देते हैं और पितरों को इस तरीके से जल दिया जाता है, अंगूठा से भाग से जल गिरता है। दक्षिण तरफ हमारा मुख होता है और स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है, सबको करना चाहिए। इसलिए देवताओं का, ऋषि मुनियों का, माता पिता का हमारे ऊपर ऋण होता है। तो सभी को प्रेम से, श्रद्धा से, श्रद्धा का मतलब होता है श्राद्ध, मतलब श्रद्धा से जो भी दिया जाए, और तर्पण मतलब जल का दान होता है, और जो भी हमारे पास हो करना चाहिए। वामन पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण में सब बताए गए हैं। कहते हैं कि अगर हम नारियल के जल से तर्पण करते हैं तो 20 वर्ष से भी जिनको संतान नहीं हो पा रहा है, तो बांझपन जैसा जो समस्या है वो दूर हो जाता है। अगर जो निजी संकल्प हमारे मन में रहते हैं वो भी पूर्ण हो जाता है जब हम जल में नारियल का पानी डाल के, काला तेल डाल के तर्पण करते हैं। शहद से तर्पण करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, जो भी हमें मंत्र मिला है। कोई रोगी बीमारी को अगर वो जल हम दे देते हैं अपने मंत्र से पढ़ के, तो वो भी ठीक हो जाता है। और भजन में भी नींद, आलस, माद नहीं आता है, रात्रि में गलत सपने नहीं आता है शहद से तर्पण करने पे। जल में अगर कच्चा दूध डाल के हम तर्पण करते हैं तो रोग दूर हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ने असाध्य रोग बीमारी कहा ठीक नहीं होगा, तो वो भी ठीक हो जाता है, भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। और अल्पायु का जो योग हो तो वो भी ठीक हो जाता है अगर देसी घी से तर्पण किया जाए पितरों को। और दूध, जल, काला तिल बहुत ज़रूरी है सारे तर्पण में, और बाकी चीज़ें जैसे नारियल जल, शहद।